फिर पूरे 4 बजे पढ़ाना होता है मैंने। चले एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, मेरा ख्याल है काफी दफा हमने ये की है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग नहीं सीरियस लेते फिर कर लेते हैं एक बार। बड़े ध्यान से पहले पहले सवाल को समझना है, इसमें हर सवाल वैसा ही है, सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं आएगा। मतलब ये कह लो कि ये सवाल रटा सिस्टम ही है। देखें सबसे पहले आपने इसको देखना है वेरीज का सिंबल, एमसीक्यू आता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेरीज, ये मछली जो होती है ये वेरीज का सिंबल होता है। अब वो कहता है वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, मैंने वर्ड से उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर लिया। अक्सर फिजिक्स कहती है इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगी, ठीक है। सो वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, मैंने चेंज कर लिया, यानी y का ताल्लुक है x के साथ डायरेक्टली। इसका मतलब ये होता है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x कम होगा तो y भी कम होगा। मतलब if increase in one quantity cause increase in other quantity, इसकी सीधी सी डेफिनेशन है कि इनकी डायरेक्शन एक ही तरफ, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम हो जाता है। इनवर्स में उल्टा होता है, एक बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है। तो जब भी इसको लिखते हैं इसको सीधा लिखते हैं, ठीक है, y इज इक्वल के x, ठीक हो गया। ये वेरीज के सिंबल को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट खुद से लगाते हैं, ठीक है। तो हमने लगा दिया v इज इक्वल के एक्स, ये हमारी ये वेरीज की जगह ये चीज आ गई। अब फिजिक्स में तो वो कांस्टेंट दे देता है कि k की वैल्यू ये होती है, k की वैल्यू ये होती है, लेकिन इसमें आपको k की वैल्यू खुद निकालनी पड़ती है। हर सवाल में k की वैल्यू अलग होगी। वो k की वैल्यू निकालने के लिए उसने ये दो चीजें दी होती हैं कि आप k की वैल्यू निकाल लें। y की जगह मैं 8 रख लेता हूं और x की जगह मैं 2 रख लेता हूं। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 8 ओवर 2 दैट इज k, तो k आ जाएगा 4। अब हमारा ये रिलेशन पूरा बन गया, ये सिर्फ इन दो वैल्यूज का काम रिलेशन, इस रिलेशनशिप को पूरा बनाना है। ये आ गया y is equal to 4x, ये रिलेशन आपने हमेशा ये निकालना, इसको कहते हैं कनेक्टिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग इक्वेशन या y इन टर्म ऑफ x। So, वो पहला सवाल तो यही है, ये निकालना y in term of x, पहला पार्ट हो गया y is equal to 4x, पहला सवाल हो गया। दूसरा कहता है y की वैल्यू निकालें x 5 हो, तो आप इसी इक्वेशन को बार बार यूज करेंगे, आप अगले चाहे वो 10 पार्ट कराए चाहे 100 पार्ट कराए। y फाइंड करना है, x 5 है, ठीक है, कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे हम y is equal to 4x, y तो निकालना है, 4x की जगह 5 रख देंगे, तो y कितना आ गया 20, आंसर आ गया, बात खत्म। अगला पार्ट है x निकालें y 28 है, x निकालें y 28 है, कनेक्टिंग इक्वेशन तो हम वही यूज करेंगे ना, y is equal to 4x। अब y की जगह क्या डाल देंगे हम, 28 4x, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, गुड बॉय, 28 ओवर, इतनी समझ हो ना जिसको वो मैथ्स कर लेता है, x is equal to 7 आ गया। अगर आप गौर करेंगे तो अगला सवाल भी ऐसे ही होएगा, मत नंबर चेंज हो जाएंगे, है ना। अगर आप अपने पास उर्दू में लिखना चाहें कि हम ये वेरीज के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप उसको लिखेंगे, अपने दिमाग को सिखाएं कि हम कैसे करते हैं, तरीकाकार क्या था, मेथड क्या था। आप कहेंगे क्वेश्चन को पहले पढ़ें कि डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, उसको उसके अकॉर्डिंग लिखें। वाई वेरीज की जगह मैंने वो के वो वेरीज का सिंबल डाल दिया, एक्स आ गया, डायरेक्टली हो तो सीधा एक्स, इनवर्सली हो तो वन ओवर एक्स, इतना सा फर्क है बस। दूसरा स्टेप हम के की वैल्यू निकालेंगे, अब इन वेरीज के सिंबल को हटा के उधर इक्वल के लगाएंगे, फिर के की वैल्यू निकालने के लिए फाइंड से पहले पहले वाली दो वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे, फाइंड वर्ड से पहले पहले की दो वैल्यू, उनको से के निकल आएगा, के की वैल्यू निकल आएगी, फिर k की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में डाल के हम कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद इसी से आगे सारे सवाल सॉल्व होंगे। ये हर सवाल में ये चीज आएगी आपके, हर सवाल में। मैं देखिए अगला सवाल करता हूँ, वो भी ऐसा ही होगा, जिसको फिर ये चीज समझ आ जाती है फिर वो इस बेस के ऊपर इसके लॉन्ग भी कर लेता है। इसे कॉम्प्लिकेटेड ही होगा ना, और तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन, नीचे वाला भी देख लें वही है, ये सारे वही है, रट्टा सिस्टम, सबसे सोखे क्वेश्चन। देखें सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, उसने लिख दिया, हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। y varies directly to x, अब y varies के सिंबल को हटा के हम k लगाते हैं। अब से आप हमारे पास k की वैल्यू नहीं है, k की वैल्यू हम कहां से निकालते हैं, ये फाइंड से पहले पहले की वैल्यूज को पुट करके।
इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, y की जगह हम क्या रख देंगे 7 और x की जगह क्या रख देंगे 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस k की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन तैयार, y इज इक्वल टू 7 ओवर 3 इंटू x, ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई। इसको हम कह सकते हैं इन टर्म ऑफ y इन टर्म ऑफ x, पहला सवाल भी ये सॉल्व हो गया। दूसरे में क्या करना है, x निकालें y 35 है। अब हम इसको दोबारा लिख लेते हैं जी, फिर गिर रहा है, अभी उसकी टांग सारी हो रही है। अब y की जगह मैं क्या डाल देता हूं 35। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, आप इसको कैलकुलेटर सीधा डाल के मल्टीप्लाई ना कीजिएगा। अभी यहां पे बच गया 7x, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, 35 इंटू 3 ओवर 7 इक्वल x, 7 वन जार 7, 5 जार 35, 5 3 जार 15, x आ गया, एक पार्ट हो गया। आगे वो कहता है y निकाले, x आपका 18 है, कुछ भी नहीं होगा। अब ये इसी कनेक्टिंग इक्वेशन को हम फिर इधर डालेंगे, इसी कनेक्टिंग इक्वेशन से ये सारी चीजें होती हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन वैल्यूज का क्या, भाई ये वैल्यूज का काम सिर्फ k निकालना है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, फाइंड से पहले पहले का काम खत्म हो गया, कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई तो आ गए ये नीचे वाले सारे पार्ट हो गए। अब फिर से लिखेंगे रिलेशनशिप हम 3x, सो y की जगह कुछ भी नहीं है, y y रहेगा 37 इंटू 18, 3 1 3 3 6 18 y = 7 6 42, देख लें फिर से वही सवाल था, कोई फर्क नहीं आया, कुछ आया फर्क, कुछ भी नहीं आया, नंबर्स की डिफरेंस आ गया बस, उधर ऊपर 3-4 थे मेरा ख्याल है, 6-7 आ गए। तो अपने दिमाग चलाने सीखें, ऊपर चले जाओ राजू को क्वेश्चन करवाए, वो क्वेश्चन करवा रहा है और वो बड़े ध्यान से क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन को 3-3 बार करना, हो गया मेरा बेटा ये कर दो क्लियर, चलो याद कराई ना, 4 बजे तक पढ़ाना है, 4 बजे तक बड़े क्वेश्चन हो जाने है ना। तो कल भी वो कह रहा था कि 4 बजे पढ़ा दिया करें, ले भाई अब थर्ड आ गया भाई, थर्ड में हम बड़े डर गए, हमारे डर लगना लग पड़ा, उसने एक्स वाई नहीं डाला, अब आरटी डाल दिया, हमें मौत ये पड़ गई है ना। आर वेरीज डायरेक्टली टू टी, मुझे कैसे ख्वाब आया वेरीज डायरेक्टली आई है, बिकॉज ये टी ऊपर है, अगर इनवर्सली होता तो 1 ओवर होता, ठीक है। अब फाइंड से पहले पहले निशान लगाएं, फाइंड से पहले पहले मैंने निशान लगा लिया कि ये जो ये वैल्यूज हैं ये सिर्फ टी के निकालने के लिए है, लेकिन अभी हम के तक पहुंचे ही नहीं, हम पहले वेरीज के सिंबल को हटा के कोई कॉन्स्टेंट प्लेस करेंगे, ठीक है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है 5 और 8 को पुट करेंगे, r की जगह मैं 5 रख रहा हूं और t की जगह मैं 8, अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 ओवर 8 इज इक्वल k, यहां तक हमारा एक सिलसिला खत्म हुआ, इसकी वैल्यू इसमें डाल के हम कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेंगे, r इज इक्वल 5 ओवर 8 k। अब इससे सारे सवाल सॉल्व होने हैं, k होगा ना, k था रिलेशनशिप, k ही है, x किधर से आ गया इसमें। अब आगे आ जाता है फाइंड कनेक्टिंग इक्वेशन, ये कनेक्टिंग इक्वेशन है, ठीक है, इसने यहां पर आके ये वर्ड यूज किया है कनेक्टिंग इक्वेशन, हम ऊपर ही कर रहे थे। ऑल्सो फाइंड r, r निकालना है t64 है, ये एक हिस्सा है और वो एक हिस्सा है, एक पार्ट हमने निकाल दिया कनेक्टिंग इक्वेशन जो कि हमारा ये ऊपर है, दूसरा पार्ट वो कह रहा है r निकालें t64 है, हम कनेक्टिंग इक्वेशन को लिखेंगे बड़ी आसानी से निकल आएगा, 5 ओवर 8 इंटू 64, बिकॉज 8 वन आर 8, 8 एट आर 64, 5 एट आर 40, काम खत्म। दूसरा वो कहता है t निकालें r 20 है, t निकालें r 20 है, सो t पहले रिलेशनशिप लिखते हैं, r इज इक्वल टू 5 ओवर 8, इधर हमारे मैंने कुछ गलत लिखा है, इधर आना t है ना, t, ठीक है। अब यहां पर मेरा बेटा पुट करते हैं किसकी वैल्यू दी है 20 की है ना, तो 20 इधर आ गया, बाकी सब अपनी जगह वैसे का वैसे। अब हमने t निकालना है तो ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, मैं इकट्ठा कर दूं ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, 5 1 जार 5 4 जार, अब 4 8 जार 32,
हमारा आंसर फिर वही था, वैसे ही था कुछ पर। इसकी इसकी मजेदार बात यह, एक एक्सरसाइज छोड़ को फिर एक एक्सरसाइज ऐसी है, फिर एक छोड़ के एक एक्सरसाइज ऐसी है, बेस इसकी यही है, इसी बेस पे इसने होना है। वो ऊपर स्क्वायर लगा देगा, क्यूब लगा देगा, प्लस प्लस करा देगा, और तो कुछ भी नहीं होएगा इसमें। इसमें से तीन तरह के लॉन्ग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें से एक तरह का ये है, ठीक है। ये शॉर्ट भी पढ़ जाता है, आपके रिव्यू में देखे होगा, रिव्यू वाला शॉर्ट पेपर में आ जाता है। पहले तीन चैप्टर से मिलकर पहला बनता है, आपके पहले दो चैप्टर ठीक हो तो आप बना जाते हैं। है रिव्यू में क्वेश्चन? नमाज पढ़ने चले आगे जी, आगे आ जाए। अगले सवाल में क्या फर्क है? फिर मैं इतने ही करवाऊंगा, चार सवाल करवा देता हूँ, चार इसके करवा देता हूँ कुछ, फिर नीचे से इनवर्स वाले करो, क्योंकि ये एक ही कहानी है, बार बार सुनाई जानी है मैंने। ये कर लें, ये कर लें, कोई फर्क भी नहीं आया डायलॉग में मेरे, रट्टा सिस्टम। इसके बाद अगली एक्सरसाइज भी ऐसी है, देखें इसकी जो लॉन्ग एक्सरसाइज है ना, आप अगर कनेक्टिंग इक्वेशन बना ले तो आप मतलब उसको वर्ड्स को पढ़ के लिख ले रिलेशनशिप, तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर जाते हैं। उसको पढ़ के रिलेशनशिप लिखना ही मुश्किल है। जैसे हमने लास्ट उसे 7.5 के क्वेश्चन किए थे कि एक बंदा खड़ा है, एक साया है, वो ट्राइंगल हम बना ले तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर जाते हैं। अब वो कहता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो कोई मसला नहीं है, हमें क्या लगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, स्क्वायर ही आ रहा है ना ऊपर, हमें कौन से स्क्वायर नहीं निकालने आते, कैलकुलेटर जिंदाबाद। क्यों जी? आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। अब दो वैल्यूज डालते हैं आर की, ये फाइंड से पहले पहले वाली वैल्यूज है ना, आर की वैल्यू है 8, के टी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर लगा दिया मैंने, 8 के 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड, के की वैल्यू आ गई 8/9। बहुत तहम्मुल से करना है, मुझे तो कह ले के मुझे टेंशन नहीं है, मेरा गलत भी हो जाएगा तो क्या आप दोबारा रिवाइज कर, लेकिन पेपर में आपके पास तो टाइम नहीं ना होगा कि इस तरह के आप बाद में घर आके सोचो गलत हो गया, वापस जाओ भाई दही पेपर मेरा गलत हो गया। तो आप तहम्मुल से करें, मैथ्स के पेपर में ये लोग समझते हैं ना कि हमारी रेस लगी है, जो पहले करेगा वो इंटेलिजेंट है। भाई पहले दूसरे का कोई बात नहीं है, 2-2.5 घंटे का टाइम दिया है, अब तो हम मल से पेपर करें। पहला दूसरा तभी आएगा जब रिजल्ट आएगा ना, होते को ना कम आ जाए मुंडा फटाफट करके तो जा रहा है, ला जा इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा, इधर आ जा, इसको उठा के लेके आओ भाई, उसको कुछ नहीं कहना आज किसी ने भी। एक मिनट बोल, तो एक याद है तुझे मेरे मित्र को, मैं ना तुझे इसके ऊपर वो लगाना है ला के फिर कुछ, इधर आ मेरे पास, तेरा ट्राउजर काट देते हैं ऊपर से, चल बैठ जा मेरे पास, मेरा बेटा है ये, बैग है वो ला देते हैं, इधर आ तू, दोस्त तेरा लेके आ रहा देख। अच्छा जी मेरा बेटा, अब आर निकालना, टी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, अब कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे डेफिनेटली हम, तो फिर निकालेंगे। उसने कहा फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल 6, के टी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें, अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, आर की जगह डाल देंगे आर ही है, के की जगह ये फिर मैंने गलत लिखा ना, रिलेशन वो कनेक्टिंग इक्वेशन लिखनी है। अच्छा कनेक्टिंग इक्वेशन मैंने लिखी नहीं अभी, मैं भी क्यों, मेरी कनेक्टिंग इक्वेशन कहां गई, आर इज इक्वल 8/9 टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू उसने कहा है निकालनी है, टी है 6, पुट कर दें आर इज इक्वल 8/9 6 का स्क्वायर। निचले सवाल में क्यूब था भाई, उधर क्यूब ले लेंगे, पावर पॉइंट 10 होए, हमें क्या मसला, 8/9 कैलकुलेटर जिंदाबाद, 6 6 36, 9 1 9 9 4 r = 4 8 8 × 4 32 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया, ये सवाल था। अब कहते हैं तो ये इसी को आगे और करा देता हूँ, नहीं तो नीचे वालों पे चला जाता हूँ, ठीक है, नीचे वाला 7 से आगे, हाँ कौन से वाला, ये वाला मैं कहना तेनू ना तोप दे अगे बन के फिर तोप चलानी चाहिए। ये मेरा बेटा देखो, पहला वाला सवाल यही था, Why, where is directly, है ना, हो इससे बैठा करें, हो इससे पूरे, इसमें उसने यही कहा W where is U square, मतलब इसका मतलब ये है कि W, sorry येलो नजर नहीं आएगा, रेड से लिख देता हूँ, W where is directly to U cube, इसमें क्या है, अब देखें यहां पर फर्क आ गया, ये 7 से क्वेश्चन इनवर्स के शुरू हो गए हैं,
कहता है y, y पहले है, मैं y पहले लिखूंगा, y वेरीज का सिंबल आ गया, इनवर्सली है, तो इनवर्सली में क्या होता है, हम सिर्फ 1 ओवर x करके लिखते हैं, बाकी सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम वही है, मतलब उन्हीं से के उसी से कनेक्टिंग इक्वेशन बनेगी उसी तरह सॉल्व, बस वो x पहले ऊपर था अब नीचे आ गया। अब y इज इक्वल के ऊपर रख लें x, कुछ लोग साइड पे भी रखते हैं और इसको 1 ओवर x रखते हैं, आप ऊपर रख के नीचे कर लें, इसको इजी होता है जरा हमारे लिए। अब फाइंड से पहले पहले की वैल्यूज जो ये हैं, कौन सी है हमारे पास, ये फाइंड से पहले पहले की वैल्यूज, ये दो वैल्यूज सिर्फ k निकालने के लिए दी जाती हैं। y क्या है हमारा 7, x क्या है हमारा 2, ये तो डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा मल्टीप्लाई k विल बी 14। अब हम ये k की वैल्यू आ गई है, इसको उसमें पुट करके कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेते हैं, 14 ओवर x, ये इसकी सारी गेम है। आगे अब उसने कहा है कि क्या फाइंड करें, जरा पढ़ देना उसने क्या लिखा है, उसने कहा y फाइंड करें, x 126 है, यही है ना, y फाइंड करें, x आपका 126 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे, कनेक्टिंग इक्वेशन से ही सॉल्व किया जा सकता है इसको, y की जगह y रहेगा, ये आ गया 14, x आ गया 126। अब इसकी कटिंग करो जरा, 2 7 बार, 6 बार 12 और 2 3 बार 6, 7 1 बार 7 9 बार 63, y आ रहा मेरा 1/9 ओवर में आ गया, जरा आंसर चेक कर लें। गलत नहीं होगा लेकिन कैलकुलेशन में सम टाइम गड़बड़ हो सकती है। ऊपर चला जा, चैप्टर उल्टी बुक से चैप्टर करने शुरू कर दो, मैंने राजू को कहा है कि वो कराए, अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन फौरन सीखो, ठीक है, चले जाए पर 16 से पीछे को आ जाना वापस, कर दो रेज, यही था ये अब आ गया, तो उसने खुद से लिख के दिया, ठीक है। इसमें से ये आर स्क्वायर वाला कर दूं, को मुश्किल बताओ, सारे सेम ही है, सारे सेम है, ये एम आर कभी मौत पड़ती है तो वो कर देता हूँ, आर क्यूब वाला कहते तो वो कर देता हूँ, सेम ही है सब, कर दूं नहीं, देखें वही होगा तरीका का, तो फर्क होएगा तो फिर मैं कहूंगा आपको भाजी फर्क है। देखिए अगर वो सारे करने बैठेंगे तो वो काफी टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है, उसके बाद आप की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, समझे हो ना, फिर की समझ आती है, अदरवाइज नहीं समझ आती है। आप कहें कि मैं की पकड़ के बैठ जाऊं फिर मुझे समझ आए, नहीं आती। अभी आप देखें, उसने रिलेशन बना दिया और इनवर्स रिलेशन है, हमें पता है वी वेरीज इनवर्सली ऑफ आर क्यू, ठीक है जी। रिलेशन बना है, हम वेरीज के सिंबल को हटा के k ओवर r क्यूब लगाएंगे, ठीक है। अब पहली दो वैल्यूज फाइंड से पहले पहले वाली निकाल लेते हैं, ठीक है। अब when r 3, ये देखो ना, ये फाइंड उसने लग की हुई है ना, ये k की निकालने के लिए होती है। अब v आ गया 5, k ऊपर आ गया, r आ गया 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा मल्टीप्लाई, जरा निकाले हैं कितना होता है 27 पांच बार, 135 वो बता रहा है। के की वैल्यू आ गई, अब इस के की वैल्यू को इधर पुट करके कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेनी है, फिर इसी से सारी गेम चलेगी आगे। v इज इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब, ये मेन चीज हमारी आ गई। अब अगला पार्ट करते हैं, उसने दो पार्ट है, v फाइंड करें, r 6 है, v फाइंड करें, और r कितना है 6। अब v की वैल्यू अब कनेक्टिंग इक्वेशन में डालते हैं, v हमने रखना है 135 वैसे का वैसे ही, r की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 6, सो ये आ गया 135 ओवर 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। अब आपके पास कैलकुलेटर में ऑप्शन होती है 135 और 216 को काट के, तो देख ले, 5 के टेबल से वो नहीं कटता, 2 के टेबल से दोनों नहीं कटते, 5 6 7 8 9
6, 7, 8, 9 दोनों तीन के टेबल से कट जाते हैं, थ्री के टेबल से दोनों कट जाते हैं। कटिंग करें कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा कि मैं कर दूं। 3 4 12 3 5 15 3 7 21 3 2 6 45 बटा 72 आ गया मेरे पास। 45 बटा 72 मेरा ख्याल है फिर से दो तीन से कट जाता है। 3 15 45 और 3 2 6 3 3 2 6 3 4 12 फिर तीन से कट जाते हैं। 3 5 15 3 8 24 5 बटा 8 आंसर मेरे पास आ रहा है। यही आ रहा ना, आप कैलकुलेटर पर मार के निकाल सकते हैं, नहीं तो कटिंग भी कर ले तो कर सकते हैं। अब वी वी 320 है, ये निकाल लेंगे क्या? नहीं निकलेगा। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आपको, इसके लिए कटिंग वगैरह नहीं करूंगा, ठीक है। मैं पुट करता हूँ, वी है 320, मैंने इस वी की जगह रख दिया 320, 135 अपनी जगह ही और आर क्यूब अपनी जगह। ये इधर से उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा। आर क्यूब उधर चला गया, 135 डिवाइडेड बाय 320। कटिंग करो जरा क्या आती है। अपने कैलकुलेटर पेपर से पहले पहले चेक कर लो कि आपके ऑप्शन ये कहाँ पे, आपके ऑप्शन ये कहाँ पर। अब ये क्यूब को खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन, ये कट गया, आर आ गया 27 होता है 3 का और 64 होता है 4 का। ये टेबल है छोटे से, तो 10-15 तक टेबल लिख के सीख लें आपको आसानी, क्योंकि बड़ी आसानी से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इससे लेके आगे चलते हैं, सेम इसी एक्स तरह की एक्सरसाइज कोई और भी देखते हैं। 3.5 भी वो कह रहा है ऐसी है। लॉन्ग क्वेश्चन कॉम्पोनेंट और डिविडेंड क्वेश्चन, लेकिन बड़े आसान है। वो कह रहा है 3.5 देखें। अब जिसको उस एक्सरसाइज की समझ आए तो इसको क्या तकलीफ है, इसमें क्या तकलीफ है देखें। साइड पे हो जाए तो उनके इल्म की राह में रुकावट बना पड़ा है। बड़ा तुझे 6 एक्सरसाइज गुजर गई है तो अब याद आया तुझे। इधर आ जा मेरे पास, इधर इधर हो जाओ। जगह दी थी तो वो आप दफा हो गया। अब देखें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एस का इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, और वी के साथ इनवर्स रिलेशन है। देखें, एस वेरीज डायरेक्टली टू यू स्क्वायर और इनवर्सली वी, इसको बोलते हैं कंपाउंड मिक्स, दोनों ही है। जो जो डायरेक्टली है वो ऊपर होता है, जो इनवर्सली है वो नीचे होता है। यहां पर आप अब यहां पर हमें इक्वल के यू स्क्वायर ओवर वी। अब आ जाए, उसने कहा है फाइंड से पहले पहले वैल्यूज दी होंगी उसने। देखिए एस 7 है, यू 3 है, नहीं चीजों की। चले एस की वैल्यू है 7, ठीक है, के यू की जगह मैं डाल रहा हूं 3 का स्क्वायर और वी की जगह मैं क्या डाल रहा हूं 2, ठीक हो गया। वैल्यूज थी नहीं मिली ट्यूब, नहीं, नीचे दादी ये बढ़ा ली। अब मम्मी पूछ रही है अच्छा ये इधर 2 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है। 9 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा k की वैल्यू कितनी आ गई 14 ओवर 9। यहां पर आप अपनी की का यूज कर लेना, ठीक है। यहां पर की का यूज क्यों कर लेना, देखना k की वैल्यू आपने ठीक निकाली, क्योंकि k की वैल्यू अगर सही ना निकली आगे सारा सवाल हाँ खराब हो जाना। तो मैं तो भी फर्ज कर रहा हूँ कि मेरी सही निकल आई है, मैं बहुत एफिशिएंट हूँ तो मेरी सही निकल आई है। चलो फर्ज ही है अभी ये, है ना। एस इज इक्वल के की जगह आ गया 14 ओवर 9 यू स्क्वायर ओवर वी, ठीक हो गया। किधर भला ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया ना, 3 का स्क्वायर 9 नीचे इसके वी था ना, नीचे जो है नीचे इसके था 2। या फिर बैठो,
ठीक हो गया, यहां तक अभी वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, इसको ले लेते हैं। अब उसने कहा है व्हेन यू इज 3 वी इज 2। अब यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू निकालनी है, यू 6 है वी 10 है, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करेंगे यू की जगह 6 और वी की जगह 10, एस तो निकालना है, 14 ओवर 9 अपनी जगह, यू की जगह आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर ओवर 10, 14 ओवर 9 टाइम 36 ओवर 10, 9 वन जार 9, 9 फोर जार 36, ठीक है। अभी 2 के से टेबल से ये काट जाते हैं, ये और ये दोनों आपस में काट जाते हैं, ये और ये दोनों, जिसको काटना है आपने काट लीजिएगा, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, 7 4 जार 28 ओवर 5, आंसर देखो जरा क्या है, सही लग रहा है, लॉन्ग में आ जाता है, सही है। अब अगले हो जाएंगे कि नहीं होंगे, यहां से आप की थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो कनेक्टिंग इक्वेशन बनाने के लिए, कहते हैं तो मैं बना देता हूं, पढ़ के, लेकिन पेपर में आपको बनानी भी तो आनी चाहिए ना। लिखी है वही ना, कनेक्टिंग इक्वेशन चेक कर लेना, कनेक्टिंग इक्वेशन ठीक बनी। अब अगली देखें, उसने क्या है, W varies jointly x and y square, ठीक है। अब यहां पर ये डायरेक्ट ही काउंट होता है, जरा इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन देखना जरा, 1 over 36 और x y square। देखें यहां पर जॉइंटली में वो दोनों को जॉइंटली डायरेक्ट ही रख रहा है, सो यहां पर आ गया w varies x y square, ठीक हो गया। अब यहां से आ गया w is equal k x y square। अब यहां पर वैल्यूज एंड जेड, जेड भी आ गया भाई साथ हमारा। अब W की वैल्यू है 5, X की वैल्यू कितनी है 2, Y की वैल्यू कितनी है 3, Z की वैल्यू कितनी है 10, ये सारे से आप K निकालने के लिए हो रहे हैं, 5 K 2 इंटू 9 इंटू 10, 2 9 जार 18, 18 10 जार 180, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा, कैलकुलेटर मारो कटिंग के लिए, इसको 5 के टेबल से काट जाता है, ये 5 3 15 और 5 6 बा 30, के आ गया 1/36, ठीक है। इसको अब इसमें पुट कर लेते हैं, W इज़ इक्वल 1/36 एक्स वाई स्क्वायर जेड, कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई। अब वो कहता है फाइंड W, W निकालना है, X, Y, Z उसने दे दिया, तो W अपनी जगह 1/36 टाइम X की वैल्यू कितनी है 4, Y की वैल्यू कितनी है 7, Z की वैल्यू कितनी है 3, 4 1s are 4, 9s are कट गया, 3 1s are 3, 3s are, अब मजीद कुछ कटिंग नहीं होती, तो ऊपर क्या आ गया, W is equal 7/3, मेरे ख्याल से तो यही आता है, 49 ओवर 3 आ रहा था, कोई और देखो, कोई और चीज ना ऊपर, हाँ यहाँ पर 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 49, तो ये आ गया 49 ओवर 3, ये 7 का स्क्वायर ही चल गया, तो कुछ भी फर्क नहीं आया, बस उसने गंद थोड़ा ज्यादा डाल दिया। अब नहीं करना सॉल्व मैंने पूरा, ठीक है। तीसरे सवाल में देखें, y है, y का रिलेशन है x क्यूब के साथ डायरेक्टली और z स्क्वायर के साथ इनवर्सली, तो हम रिलेशन बनाते हैं, x क्यूब ऊपर आ जाएगा और z स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इनवर्सली t भी है साथ उसके, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल k x क्यूब ओवर z स्क्वायर t, अब वैल्यूज डाल के तो आप k निकाल लेना, अब नेक्स्ट रिलेशनशिप है इसका, u varies directly as x square and inversely as product of y z cube, यानी के u varies directly x square और inversely है y z cube, रिलेशन बन जाएगा आपका u is equal k x square over y z cube, इसमें वैल्यू पुट करके k निकाल के तो कनेक्टिंग इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, v varies directly as product of this and
इनवर्सली जी स्क्वायर। वी वेरीज डायरेक्टली एज एक्स वाई क्यूब और इनवर्सली जेड स्क्वायर। तो ये आ गया वी इज इक्वल के एक्स वाई क्यूब ओवर जेड स्क्वायर। ये भी वैल्यूज हमारी आ गई। पांच सवाल है, छह सवाल है, इसके पांच ही है अभी आपकी, फिर दो एक्सरसाइजेस छह है। तो W varies universally as cube of U, ये भी लिख देता हूँ। U cube हो गया, words में लिख दिया उसने। अब खोल W varies universally as cube of U, ये cube of U का मतलब U cube, ठीक हो गया। ये आपका क्यूब ऑफ यू आ गया। अब इससे बनेगी आपकी डब्ल्यू इक्वल इनवर्सली है, सॉरी वन ओवर यू क्यूब। डब्ल्यू इज इक्वल के ओवर यू क्यूब। अब के की वैल्यू निकाल लें, आपके अगली वैल्यूज निकल आएंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज एक और है ऐसी, लास्ट है ये। इनकी आपने पढ़ के तो कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी सीखनी है, ठीक है। देखें ए डायरेक्टली वेरीज है स्क्वायर ऑफ एल, ठीक है ना। तो बस इतना ही काम है। सरफेस एरिया ए वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ यानी एल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया ए इज इक्वल के एल स्क्वायर आ गया। उसने वैल्यूज दी है, उसे आप निकाल के तो फिर ये काम कर सकते हैं। आगे लिखिए और ठीक है। ये दो वैल्यूज के निकालने के लिए ना, बाकी ये फाइंड वाली नीचे दी है। अब एस वेर इज डायरेक्टली द स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर, ये लॉन्ग पढ़ जाता है पेपर में, वो पीछे वाले भी पढ़ जाते हैं, ये भी पढ़ जाते हैं। ये मतलब तीनों चारों टॉपिक है एक पूरा। सरफेस एरिया एस, पढ़ते जाएं सरफेस को, सरफेस एरिया एस ऑफ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एस स्क्वायर ऑफ आर, यानी एस वेरीज डायरेक्टली आर स्क्वायर। इससे रिलेशन वैसे ही बनना जैसे वो पीछे हमने किए हैं, के लगाएंगे, के बाद वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज के बाद नीचे दी गई हैं। अब हुक्स लॉ फोर्स, ठीक है, वेरीज डायरेक्टली एज अमाउंट ऑफ, ये इसकी आ गया एलोंगेशन एस एंड एफ एस, ठीक है, ये यहां तक दिया है उसने। फॉर एफ है डायरेक्टली वेरीज एस के, ठीक है, एफ भी दे दिया उसने, एस भी दे दिया, के निकाल के कनेक्टिंग इक्वेशन बना के फिर आप ये चीजें पुट कर सकते हैं। कोई इसके चार पांच क्वेश्चन तो करके आए, बाकी आप की के साथ भी हेल्प ले सकते हैं कि हम सही सोच रहे हैं कि नहीं। कनेक्टिंग इक्वेशन इसको पढ़ के बनाना मौका काम है, और तो कोई काम ही नहीं है। बाकी तो इसने सॉल्व ऐसे ही होना है। अभी आपके पास है को 10-15 मिनट, ठीक है, तो आप क्या करें, हाँ कैलकुलेटर पे आप 3.14 वैल्यू होती है पाई की, या 3.14 लगा रहे 3.14 जुबानी याद करें पाई की वैल्यू, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेटर पे भी शिफ्ट दबा के आंसर दबाएं, या इक्वल टू मेरा ख्याल दबाएं तो पाई आ जाता है। अभी आपने कल करके आने थे रिव्यू, करें पहले का भी करना है दूसरे का, भले दूसरे का करें रिव्यू, जल्दी से करें क्विकली, ठीक है। मैं इसको लगा के स्टॉप कर रहा हूं और